Hi, this is Sabyasachi Satpathy. Press the bell icon. Never miss a video on Lair at Small Screen.
मेरा कैरेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है, उसको कोई भी अगर कोई अप्रोच करता है ही डजंट टेक इट वेरी नेगेटिवली. ओपिनियनेटेड है, उसका खुद का बहुत बड़ा ओपिनियन है. ही पुट्स इट्स पॉइंट फॉरवर्ड. पेट्रियाटिक है, अपने देश को बहुत प्यार करता है, अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करता है, सबकी इज्जत करता है. एंड आई थिंक ही इज़ द गुड बॉय ऑफ आर इंडियन सोसाइटी. तैयारी काफ़ी महीनों से चल रही थी. मैंने ये शो मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया था, तब से लेकर आज तक तैयारी कर ही रहे हैं, अपनी बॉडी को लेकर, अपने फिजिकलिटी को लेकर, अपने वॉक को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर, हर चीज़ पे काफ़ी मेहनत की गई है. सो ऑल टुगेदर फ्रॉम हेड टू टू आई वर्क ऑन इट. व्यूअर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस शो. दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रोटोटाइप है, एक नया तरीके का शो है. आप लोग बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की, स्पार्टिकस की, ग्लैडिएटर की, अब आप बात करेंगे पोरस की. देखते रहिए. नर्वस इसलिए थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ. क्या मैं इतनी क्रूअल तो नहीं कहूँगी, ये नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, बट इतनी हेड स्ट्रॉन्ग और अपनी बात मनवाने वाली, अपने आप में इतना बिलीव करने वाली कि जो वो सोचती है वही करके ही रहती है. तो मैं ये सोचती थी कि इतना ऐसा मैं लग पाएगा मेरी वॉइस से, बॉडी लैंग्वेज से, द वे आई इमोट, विल आई लुक दैट स्ट्रॉन्ग वूमन. मैं इसमें ओलंपियस का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो ग्रीस की एक उस टाइम बहुत ब्यूटीफुल महारानी होती थी. और एक्लीज़ आपने सुना होगा, एक्लीज़ अगर इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं लोग तो उनको ये इंटरनेशनल कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा. तो उसका लीनिएज से बिलोंग करती थी, एक रॉयल लीनिएज से. लेकिन उस टाइम जो मैसेडोनिया के आसपास के ग्रीस के शहर थे वो सारा आपस में लड़ते ही रहते थे. तो एक वॉर में एक समझौता हुआ और उसको किसी राजा को सौंप दिया गया. लेकिन वो इतनी बड़ी ज्यूस की पुजारन थी और इतनी रॉयल लीनिएज की थी, उसने अपनी फेट जो थी, अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. उसने गॉड को बोला कि मुझे, अगर तुमने इससे शादी कर दी है, एटलीस्ट मुझे इसका बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आपका औलाद चाहिए, आपकी, गॉड को बोलती है. तो दैट्स हाउ अलेक्जेंडर इज सन ऑफ गॉड, जो फिर उसके लिए दुनिया जीत के लाता है. व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आज तक भारत में इतने बड़े स्केल पे नई शो आया और सिर्फ भारत के अंदर की कहानियाँ बताई गई हैं. भारत बाकी के आप दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, अलेक्जेंडर कौन था और बाकी दुनिया, भारत इतना समृद्ध था कि सब नज़र रखते थे कि इसको जाके लूटें. वहाँ पे इतने रिसोर्सेज थे, नदियाँ थी, हर तरह की फसलें होती थी, सोने की चिड़िया था. तो यू विल नो व्हाट एंशिएंट हिस्ट्री वाज. और इतने हर किरदार इतना ब्यूटीफुली आपको उसको स्टोरी फॉर्म में दिखाया गया, तो यू मस्ट वॉच पोरस. ये ऑपोजिट बात मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली मैंने देखा कि इंडिया के अंदर लोग सिकंदर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जो बड़े लोग हैं. अभी जब जो नई जनरेशन है वो अलेक्जेंडर से ज़्यादा जानती है, बट सिकंदर इज़ मोर फेमस, द वर्ड नेम सिकंदर इज़ मोर फेमस दैन अलेक्जेंडर. दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, उसका अलेक्जेंडर भी नाम है और सिकंदर भी नाम है. और जैसा कि इतना महान कैरेक्टर है तो या आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, बिकॉज़ आई एम ब्लैंक नाउ. व्हाट डिड यू किरदार के बारे में, सिकंदर का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही चैलेंजिंग. और ये ऐसा किरदार था जिसकी अपब्रिंगिंग और जिसकी कंडीशनिंग ऐसे हुई थी कि वो, उसको पूरी दुनिया को फतेह करना था. उसकी माँ ने उसको बचपन से ये सिखाया था और उसको ये बताया था कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम भगवान की औलाद हो, ज्यूस की औलाद हो. और जब किसी बच्चे की कंडीशनिंग इस तरह से की जाती है कि आप नॉर्मल हो ही नहीं, आप भगवान की औलाद हो, ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो आपका जज्बा, जो आपका पूरा मोटिवेशन है और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. यू फील दैट यू आर स्पेशल एंड यू आर हेयर टू डू समथिंग डिफरेंट वॉट अदर्स आर डूइंग. तो डिफरेंट डिफ़िकल्ट किरदार था, लेकिन मेहनत करी है उसके लिए और उसको प्ले करने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत लिटरली बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, जो कि हमने पिछले 6-7 महीने में की. एंड अब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड पीपल आर लाइकिंग इट, सो वी आर वेरी हैप्पी. उतना हैवी नहीं है बिकॉज मैं हिस्टोरिकल्स मत लड़ो, मैं बहुत हिस्टोरिकल्स कर चुका हूँ पहले, तो मेरे लिए ये गेटअप को लेना इतना मुश्किल नहीं था. और ये तो बहुत आसान कॉस्ट्यूम है, इतना वो नहीं है. ये वॉर लुक है, कंटिन्यूसली अलेक्जेंडर इसमें नहीं रहने वाला है, बिकॉज
जैसे जैसे वो आगे जाता रहेगा वैसे वैसे उसके कॉस्ट्यूम चेंज होते जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर एक वॉर लुक है जो हम सबसे पहले शो के अंदर दिखाएंगे उसके इंट्रोडक्शन में, तो ये वो लुक है। व्यूअर्स को यही मैं कहना चाहूँगा कि गाइज 27 नवंबर को 8:30 PM से आप पोरस देखिए। ऐसा शो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने टेलीविजन पे नहीं देखा होगा, इंडियन टेलीविजन पे। एंड जिस तरह का एंटरटेनमेंट, जिस तरह का विजुअल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा वो आप आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। एंड मेरे जितने भी फैंस हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब नया शो के साथ में आऊँगा, अब आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतने टाइम से काम नहीं कर रहा था और कोई शो नहीं ले रहा था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। एंड अब जब वो आ गई है तो आई एम श्योर आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे एंड फिर से हम लोग अभी आने वाले हैं, तो लॉन्ग जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है। मैं अनुसुईया का किरदार प्ले कर रही हूँ कोरस में, जो कोरस की माँ है और वो एक बहुत ही ब्रेव महारानी है पौरव राष्ट्र की। एंड वो अपने उसकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो आपको कोरस में देखने को मिलेंगे। बहुत सैक्रिफाइसिंग लेडी है एंड शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। बहुत ब्रेव वॉरियर भी है और जहाँ फीलिंग्स और इमोशंस की बात आती है अपनी इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करती है। बाकी आपको देखना पड़ेगा शो। व्यूअर्स के मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आपके लिए बहुत ही अलग एक शो लेकर आ रहे हैं, जो कि बड़ा छोटा मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट बहुत मेहनत लगी हम सब की। और अगर आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट देखना है, एक्साइटमेंट देखना है, एडवेंचर देखना है, आपको सब कुछ इस शो में मिलेगा। सो डोंट मिस इट एंड वॉच इट ऑन 27th 8:30 ऑन सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सनी घनशानी है और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है फिलिप इस शो पोरस में। अगर इस किरदार के बारे में बताऊँ तो इस किरदार में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ, तो ये डेफिनेटली मेरे रियल लाइफ से काफ़ी अपोजिट है। जैसे मैं इस किरदार के बारे में बताऊँ तो काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी प्राउडी है, काफ़ी अनकाउथ है और काफ़ी क्रूअल है, तो और लीडरशिप स्किल भी काफ़ी है इसमें, बिकॉज ही इज़ अ किंग। इसने मैसेडोनिया में होते हुए काफ़ी सारे ग्रीस के स्टेट जीते थे, तो उसकी अपनी स्किल्स थी। बट दीज हैव बीन द फोर मेजर यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कैरेक्टर फिलिप। रियल लाइफ में मैं डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, तो इट हैज़ बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी टू प्ले द कैरेक्टर। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स की है, हर कैरेक्टर पे काफ़ी काम किया है, हर किंगडम पे काफ़ी, आपने देखा होगा कि सारे कैरेक्टर्स अलग अपनी भाषाएँ बोलते हैं और सबके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पर काफ़ी काम किया गया है, सब ने अपनी अपनी डिक्शंस रखी हैं इस शो में। तो आप देखेंगे कि जैसे कि हम 5 हिस्टोरिकल डिफरेंट शोज हम एक शो में बनाने जा रहे हैं विच इज़ कोरस, सो डेफिनेटली देखने वालों के लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सो आई वुड से डेफिनेटली प्लीज़ डू वॉच कोरस, बिकॉज सब आपके लिए ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। लहरे को 30 ईयर्स हो गए हैं। बेस्ट विशेज टू लहरे।